सबसे पहले इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, मैंने बीटेक किया बायोटेक में, उसके बाद मैंने मुझे एमबीए के लिए 18 लाख की स्कॉलरशिप मिली, तो आई वेंट मुंबई, मैं मुंबई गया और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, और इनफैक्ट 3 महीने बाद मुझे लगा आई एम नॉट मेंट फॉर एमबीए, मैंने वहाँ छोड़ दिया, और फाइनली नवंबर 26 को मैंने 2012 केएससी ज्वाइन किया। पर ज्वाइन करने से पहले मुझे काफी डाउट था कि मतलब पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब मैं सब्जेक्ट्स देख रहा था तो वो तो कोई पर्टिकुलर साइंस था नहीं, उसमें था हिस्ट्री, जो आप लोग अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो पता ही हिस्ट्री में कि वी हेट हिस्ट्री, सॉरी फॉर हिस्ट्री पीपल, हिस्ट्री इंटरेस्ट नहीं है, ज्योग्राफी भी इज बिट पता ही है कैसा है, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो लाइक दैट, और इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो लाइक दैट, तो ये सब्जेक्ट देख के बड़ा टफ लगा कि मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फीलिंग आया कि मतलब वी रियली डोंट नो क्या हो पाएगा, लेकिन फिर भी आई ट्राइड। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिस दिन मैंने कोचिंग ज्वाइन किया उसके आगे के 10 दिनों का एक्सपीरियंस, मैंने मेरा घर दिल्ली में भी है तो मैं दिल्ली में ही रूम लेकर भी पढ़ा, तो पहला दिन मुझे याद है आई थिंक फर्स्ट 10 डेज में जब मैं कोचिंग जाता था, तो बीइंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो हम लोग कुछ उसे वैसा तो समझ में आता नहीं था पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल क्लासेस चलता था तो और अपूर्व सर क्लासेस वो लेते थे, तो मुझे याद है क्या होता था कि जो बच्चे थे उस टाइम वहाँ पे, मतलब ऐसे क्राउड, ऐसा ही क्राउड था एकदम पूरे कोचिंग का, 150 स्टूडेंट्स थे, सेम क्राउड था, और वो मोस्टली बच्चे जो थे वो डीयू के थे, मतलब सॉरी मतलब डीयू के थे, और वो सारे मतलब डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली श्रीराम एंड ऑल सो मेनी गुड गुड कॉलेजेस, तो और उनके मैं जब डिस्कशन सुनता था बिफोर क्लास तो आई यूज्ड टू फील वेरी डिप्रेस्ड कि क्या डिस्कशन है यार, मतलब ऐसा लगता था कि बोलते थे यार हाउ कैन द लैंड बिल बी इशूड, हाउ कैन द ऑर्डिनेंस बी पास, इट इज नॉट इन द प्रमल्केशन सिस्टम, मतलब आई वाज लाइक मतलब पहले मुझे फील हुआ कि आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम अ डंब फॉर्म, मतलब सीरियसली मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ भी नहीं आता है, तो बहुत डिप्रेशन आया उन पूरे क्राउड को देख के, और पूरा क्राउड ही डीयू का था, मोस्टली क्राउड डीयू का था, तो व्हाट आई डिड मैंने स्टार्ट किया म्यूजिक, वो ईयरफोन जो आता उसको लगा लो, जब क्लास में सर आ जाते तो फिर मैं हटाता ईयरफोन और फिर स्टार्ट करता, तो बट ये सच्चाई वाली फैक्ट है, इतना डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट था वो, एंड वो भी वो स्टूडेंट से बस डिप्रेसिंग था, और उनके क्लास में तुम क्वेश्चंस इफ यू वुड हैव हर्ड समझ में नहीं आता था, वो जैसे अपूर्व सर पढ़ा रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कैसे होते थे, सर हाउ कैन इन दिस एरा ऑफ globalization, can the parallelism be existing between two systems of the government? So, Hawaii nahi lagti hai. जो भी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया वो दिन लाइफ का मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहा, आई मैंने 125 मार्क्स का पेपर था एंड आई गॉट फर्स्ट रैंक, उसमें मेरे मार्क्स थे 70, तो लाइफ मैंने देखा, मुझे लगा यार इफ आई एम बीइंग अ बीटेक बायोटेक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटी, जो मैं बस एक महीने में पढ़ा हूँ पॉलिटी, और उससे अगर मैं 125 में 75 लाया हूँ, और मैं स्पेशल पेपर्स भी जाके मैं देखा जो ऑर्डिनेंस बोलते थे और ये सब जो बोलते थे उनके मार्क्स थे 40, 43, 44 इस टाइप के मार्क्स थे उसी रेंज में, उस दिन ने मुझे उस दिन से आई वॉज हाईली मोटिवेटेड, और उस दिन से आई थिंक मेरा ये मतलब आई एम नॉट मतलब बता रहा हूँ, मतलब उस दिन से ऐसा रहा कि जितने भी मैंने मेंस के टेस्ट दिए आई वॉज ऑलवेज गेट मैंने मुझे हाईएस्ट मार्क्स आते थे, तो वो मुझे लगा कि नहीं इट मीन्स आई हैव गुड राइटिंग स्किल एंड आई कैन डेफिनेटली डू, तो वही चीज होता है आपको स्टार्टिंग में फील हुआ कि यू एक बैरियर सा आएगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा दिस दैट एंड ऑल, बट ऐसा होता नहीं, इफ यू ट्राई डेफिनेटली यू कैन, और ये बहुत सच बात है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि काफी लोग मुझे बोले कि ऑप्शन की टेक्निक में बाद में बताऊंगा, पहले मैं प्रीलिम्स पे आता हूँ क्योंकि इस साल भी काफी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है कि देखिए सबको डर रहता है, अच्छा उससे पहले एक और बात बता देता हूँ, 12 जून 2014 को इसका रिजल्ट आया था, ठीक है, इमेजिन करो 12 जून को, इनफैक्ट मैं 12 जून तक आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि भगवान मुझे रैंक 1 से 100 मत दो, मुझे 1000th रैंक दे दो, बस मेरा नाम आ जाए लिस्ट में, ये मैं सीरियसली, और मैंने खान सर और अपूर्व सर को कम से कम उस पीरियड में अराउंड 100 से 200 कॉल्स किए होंगे, इवन ही वाज इरिटेटेड या तू पास हो या बला टंग कर ऐसा हो गया था, इनफैक्ट मतलब मुझे याद है 12 जून को दोपहर में रिजल्ट आया है और दिन में आई हैव कॉल्ड खान सर,
सर क्या होगा मेरा रिजल्ट प्लीज टेल मी, तो वो नहीं बहुत अच्छा होगा एंड दिस दैट एंड ऑल, वो तो यही बोलेंगे यू नो मतलब ऐसा था। तो ऐसा ही सिस्टम है कि यू इवन आई मतलब 12 जून को वी वर प्रेइंग टू कि भगवान लिस्ट में नाम आ जाए, लास्ट नाम आ जाए, बस लिस्ट में नाम आ जाए कि सैटिस्फाई हो जाए भाई लिस्ट में नाम आ गया मैंने जॉब डन है।